по проведению специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет пытаются создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. То, назин, ये थे सदर प्यूटिन, वो सदर प्यूटिन जो कि अपने मुल्क रूस के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा ख्वाब रखते हैं, और वो ख्वाब है ग्रेटर रशिया का ख्वाब। सदर प्यूटिन की तरफ से की गई यूक्रेनियन इन्वेजन को तकरीबन 2 माह से जायद का अरसा होने वाला है। 24 फरवरी 2022 को शुरू होने वाला ये सिलसिला, जिसके नतीजे में सदर प्यूटिन के अहकाम की तामील करते हुए रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर चढ़ाई शुरू की, अब से चंद रोज पहले यानी 18 अप्रैल 2022 रात 12 बजे तक के आदाद शुमार के मुताबिक, अक्वामे मुत्तहिदा के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 2104 अफराद मारे जा चुके हैं और 2862 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। याद रहे कि ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक अब तक रिपोर्ट हुआ है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इस बात को परखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात थी जिनकी वजह से सदर प्यूटिन ने यूक्रेन पे चढ़ाई की। पहली वजह तो सदर प्यूटिन का वही ख्वाब जिसमें कहीं वो एक ग्रेटर रशिया को देखते हैं। दूसरी बुनियादी वजह यूक्रेन की वो ख्वाहिश थी कि जिसके तहत उसने यूरोपीय यूनियन और नेटो में शिरकत करनी थी। तीसरी बड़ी वजह इस पूरे सिलसिले की ये थी कि नेटो, जिसे सदर प्यूटिन रूसी सलामती के खिलाफ एक ख़तरा देखते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर मशरिक की तरफ बढ़ रहा था। इन तीन वजूहात की बुनियाद पे सदर प्यूटिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन इन्वेड किया और फिर तारीख इंसानी की वो जंग छिड़ी जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। सवाल ये उठता है कि क्या सदर प्यूटिन यहाँ रुकेंगे? क्या उनका ग्रेटर रशिया का ख्वाब यहाँ पाया तकमील को पहुँच जाएगा? जवाब है नहीं। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, इसके बाद ऐसा क्या है जो कि सदर प्यूटिन सोच रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस मैप पे नजर डालिए। इस मैप में जहां आप यूक्रेन को देख सकते हैं, वहीं यूक्रेन के जनूब मगरबी इलाके में एक और मुल्क जिसका नाम है मोल्दोवा, उसे भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ इस नक्शे पे ये भी देखा जा सकता है कि मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच एक लाल रंग की पट्टी है। इस लाल पट्टी को कहते हैं ट्रांसनिस्त्रिया, जो कि यूक्रेन के जनूब में वाके ओडिशा की बंदरगाह से महज 120 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़रा बात कर लेते हैं इस मुल्क मोल्दोवा की। 40 लाख आबादी का ये मुल्क, जो कि एक पार्लियामानी जमहूरियत है, ये ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है बल्कि काउंसिल ऑफ यूरोप, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि CIS की भी मेंबरशिप रखता है। अगर बात कर ली जाए इसके हमसाया ममालिक की, जहां मगरबी सरहद रोमानिया से मिलती है, वहीं मशरकी सरहद यूक्रेन से मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस लाल पट्टी की यानी ट्रांसनिस्त्रिया के इलाके की, जो कि इस मैप में आप देख सकते हैं। सन 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और उसके नतीजे में कई ममलिकतें सामने आईं, तो उनमें से एक ममलिकत जो कि कुर्राए अर्ज पे उभर के सामने आई, वो थी रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा। एक खाना जंगी की फिजा से पैदा होने वाला ये मुल्क, जहां एक मुल्क को आज़ादी दे गया, वहीं कई लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर गया, और मुश्किल ऐसी है कि वो अब तक अपने होने का एहसास दिलाती है। ट्रांसनिस्त्रिया का वो इलाका जो कि आपने अब से चंद लम्हात पहले अपनी स्क्रीन पर देखा, ये वो ब्रेकअवे रीजन है, ये वो अलहदगी पसंद इलाका है जो कि मोल्दोवा से बगावत करके रूस की तरफ देखता है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि आज के ट्रांसनिस्त्रिया की पैरामिलिट्री फोर्स उसे रशिया ही सुपरवाइज करता है, और इस अलहदगी पसंद इलाके की जो हकूमत है वो ये चाहती है कि रूस के साथ ही इंजमाम किया जाए। नाज़रीन, इन दो ममालिक यानी यूक्रेन और मोल्दोवा में कुछ बहुत कॉमन है, और वो ये है कि जिस तरह यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हमेशा से ख्वाहां थे कि यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बना जाए, उसी तरह मोल्दोवा भी यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
हालिया तारीख में होने वाला एक पोल जिसमें सारे मॉल्डोवियंस ने हिस्सा लिया, उसके मुताबिक तकरीबन 61% मॉल्डोवा के शहरी ऐसे हैं जो के चाहते हैं कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने। और फरवरी 2022 यानी कि वही अयाम जिसमें यूक्रेन की जंग छेड़ी गई, उसमें मॉल्डोवा यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर चुका है। ये कमोबेश वही खतरा है जो कि सदर प्यूटिन के मुताबिक रूसी सलामती को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के यूरोपीय यूनियन और नेटो के रुजू करने से था। अब इस तरह की काविश जब मॉल्डोवा अंजाम दे रहा है, तो क्या सदर प्यूटिन का वो ख्वाब जिसके तहत वो अपना असर रसूख एक ग्रेटर रशिया में देखते हैं, क्या वो ख्वाब पूरा हो सकेगा? और क्या इस सब को देखते हुए सदर प्यूटिन खामोश रहेंगे? इसका जवाब दिया है अमरीकी अखबारात, न्यूज़वीक, एनबीसी न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको मैगजीन ने, जो कि ये कह रहे हैं कि ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक रुस्तम मिनिकायव जो कि रशिया के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमांडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका जहां रूसी फोर्सेस पहले से ही मौजूद हैं, वहां रशिया कुछ प्लान कर रहा है, जहां डॉनबास और क्रीमिया के इलाकों को एक लैंड कॉरिडोर के ज़रिए जोड़ा जाना है, वहीं कहीं सदर प्यूटिन के प्लान्स में ये भी है कि इन इलाकों को ट्रांसनिस्ट्रिया के थ्रू मॉल्डोवा से जोड़ा जाए और मॉल्डोवा पे अपना असर रसूख बढ़ाया जाए ताकि वो यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप से इज्तनाब कर सके। इन तमाम अखबारात की स्लाइड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन्हें पढ़ के ये गेज करना मुश्किल नहीं है कि सदर प्यूटिन अनकरीब मॉल्डोवा पे कोई हिकमत अमली लेके आने वाले हैं। जहाँ यूक्रेन में एक बदतरीन कुरेजी जारी है, वहीं ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके से मॉल्डोवा में जाने की कोशिश वो भी ऑन द कार्ड्स है। सदर प्यूटिन किस वक्त क्या ऐलान करते हैं, कौन सा पत्ता कब खेलते हैं, इसका जवाब तो उन्हीं के पास है, लेकिन एक ऐसा ख़तरा मॉल्डोवा भी फील कर रहा है जैसा कि अब से 2 माह पहले यूक्रेन फील कर रहा था।